नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपना पैन कार्ड आप फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मिनट में बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही। तो वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि मैं विस्तार से आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। तो चलिए हम सीधा चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसमें विजिट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, सर्च करते हैं तो देखिए यहां पर वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। किसी रोज़ मैं आपको ITR फाइल करना भी बताऊंगा, उसका वीडियो भी बनाकर मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। फिलहाल हम जान लेते हैं कि कैसे आप इंस्टेंट पैन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पर क्लिक कर लिया है, तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रोसेस है ये पूरी पेपरलेस प्रोसेस है और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के 10 मिनट के अंदर ही पैन कार्ड अलॉट कर दिया जाता है। और जितना वैल्यू इस इंस्टेंट पेन का होगा वो सेम ही वैल्यू होगा, चाहे वो आप फिज़िकल पेन कार्ड बनवाते हैं या फिर इंस्टेंट पेन अप्लाई करते हैं, दोनों की सेम वैल्यू है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। और लास्ट है कि आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए। एक और ख़ास बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये जो प्रोसेस है ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज रिमेंबर कि ये पूरी प्रोसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी तरह का आपको चार्ज पे नहीं करना है। तो चलिए हम गेट न्यू पेन पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, ये पूरा फॉर्म ओपन होकर आ गया है। इसमें आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, इसको वैलिडेट करना है, डिटेल्स वेरीफाई करना है और आपका पैन कार्ड बन जाएगा। कुछ विशेष बातें यहाँ पर हम नज़र डाल लेते हैं उन पर कि आई हैव नेवर बीन अलॉटेड पैन कार्ड। आपको कभी भी पैन कार्ड अलॉट ना किया गया हो और आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक हो, आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ हो और आप माइनर ना हो, माइनर का मतलब 18 साल से कम के ना हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये आई कन्फर्म दैट, ये चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ से हम जनरेट आधार OTP में क्लिक करेंगे, आधार से पंजीकृत नंबर पर OTP आएगा। देखिए हमारा OTP आ चुका है, अब यहाँ पर हम OTP एंटर करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैलिड आधार पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे सामने पेज आ जाएगा, यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल्स आधार कार्ड की आ चुकी है। इसको एक बार आप पूरी तरह से वेरीफाई कर लें, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सारी डिटेल्स जो है हमारी सही हैं और हमारा कोई भी पैन कार्ड नहीं बना है। देखिए यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है, ये हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया है, इसको आप संभाल के रख सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए हम वापस से यहाँ होम पेज पर आएंगे और यहाँ से फिर से इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पर क्लिक करेंगे, क्लिक चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको फिर से आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर हम जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आधार से पंजीकृत नंबर पर फिर से OTP आएगा। OTP हमारा आ गया है, यहाँ पर हम OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हम यहाँ पर जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा पैन सक्सेसफुली जनरेट अलॉट हो गया है, लेकिन PDF अभी जनरेट नहीं हुई है। तो PDF 10 मिनट के बाद हमारे पास आ जाएगी, हम दोबारा चेक करेंगे और यहाँ पर हम देखिए दोबारा जो 10 मिनट के बाद हमने चेक किया, सबमिट बटन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने OTP पेज आ गया है। यहाँ पर हम जो रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आया है उसको यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पैन का ऑप्शन आ चुका है,
पैन कार्ड की पीडीएफ यहाँ से अलॉट हो गई है, हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये साइड में हमारे पास डाउनलोड होकर आ गई है पीडीएफ, देख सकते हैं आप। इसको हम ओपन करेंगे। दोस्तों ये जो पीडीएफ फाइल होती है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो इसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जिसका फॉर्मेट होता है DDMMYYYY। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1996 है तो आपका पासवर्ड होगा 01011996। यहाँ पर हमने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको ओपन कर लिया है। देखिए अगर आप इसकी ओरिजिनल फिजिकल कॉपी मंगाना चाहते हैं तो उसे भी मंगा सकते हैं। उसे कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको हमारे चैनल में देखने मिल जाएगा। तो ये वीडियो हमारा इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।